इंट्राडे बाइसल सिग्नल ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं या सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहते हैं बट कंटिन्यूअसली लॉस खा रहे हैं, तो इस वीडियो को थोड़ा सा टाइम निकाल के पूरा देख लीजिए, शायद ये आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। आज को मैं निफ्टी फ्यूचर का ऊपर बेस करके एक लाइव वीडियो बना रहा हूँ, और इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा जो कॉल कैसे बनता है और कैसे हम लोग एक स्ट्रांग कॉल को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे हम लोग को सबको पता है मार्केट में हर रोज़ काफ़ी सारा कॉल बनता है, उसमें से कुछ कॉल ही अचीव होता है, मैक्सिमम कॉल अचीव नहीं हो पाता है। तो कॉल आइडेंटिफिकेशन इस मार्केट के लिए काफ़ी चैलेंजिंग मैटर होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जो अगर आप इस मार्केट में काम कर रहे हैं इंट्राडे में, तो एंट्री का साथ साथ एग्जिट भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप सही जगह पर मार्केट पे एग्जिट नहीं कर पाएंगे तो आपको अपना प्रॉफिट नहीं दिखेगा। तो आज का मैं निफ्टी का चार्ट को मॉर्निंग से एक्सप्लेन करूंगा और देखूंगा जो क्या कॉल बना है और कैसे हम लोग को ट्रेड करना चाहिए था और कहाँ पर पोजीशन को आपका स्क्वायर अप करना चाहिए था। निफ्टी में देखिए मार्केट का ये आज का फर्स्ट ओपनिंग कैंडल है, और यहाँ पर हम लोग का सॉफ्टवेयर ने एक बाइंग का कॉल दिया था। तो जब भी कोई सिग्नल बनेगा आपका स्क्रीन का ऊपर ऑटोमेटिकली एक पॉपअप आ जाएगा साउंड का साथ, और राइट साइड में देखिए यहाँ पर लिख के आ रहा है बाई 1780, मतलब इस वैल्यू में आपको बाय करने के लिए बताया गया। ऊपर में T1, T2, T3, नीचे में एक SL बोल के रेड कलर का लाइन चलेगा जो आपका स्टॉप लॉस होगा। मतलब हम लोग का सॉफ्टवेयर में पूरा डिटेल्स ऑटोमेटिकली स्क्रीन का ऊपर पॉपअप आ जाएगा, आपको अलग से कुछ सोचने का जरूरत नहीं है। तो जैसे आपको पॉपअप मिला, आप नोटिफिकेशन आपको मिला, आप चार्ट को ओपन किए, ओपन करने के बाद आपको दिखाई दे रहा है जो 1780 में आपको बाय का कॉल दिया है, ये आपका 3 टारगेट दिया है और स्टॉप लॉस भी दे चुका है। अब मेन जो चीज़ है, कॉल तो काफ़ी सारा बनता है, कुछ कॉल अचीव होता है, मैक्सिमम कॉल अचीव नहीं हो पाता है। तो कॉल आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, किस बेसिस में हम लोग को कॉल में ट्रेड करना चाहिए और किस में ट्रेड नहीं करना है। बाइंग का टाइम नीचे में आपको एक पट्टी दिखाई देगा जिसका कलर को ग्रीन होना चाहिए। तो देखिए बॉक्स के अंदर ये ढक गया है, नीचे में आपको एक ग्रीन कलर का एक पट्टी दिखाई देगा, दिस इज कॉल्ड ट्रेंड। तो बाइंग का टाइम ये जो ट्रेंड फिल्ट्रेशन का टेक्निक है, इसमें जो पट्टी का कलर है उसका कलर को ग्रीन होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है बाइंग का टाइम नीचे में आपको एक लाइन इंडिकेटर दिखाई देगा। देखिए मैं यहाँ पर एक सर्किल ड्रॉ कर रहा हूँ आपका सामने, ये जो लाइन इंडिकेटर आपको दिख रहा है, देखिए इसका कलर एक बार ग्रीन हो रहा है, एक बार रेड हो रहा है, फिर ग्रीन रेड हो रहा है। तो कलर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑब्वियसली ग्रीन मतलब बाइंग एंड रेड मतलब सेलिंग, बट मेन जो फैक्टर है वो है मिडिल का वाइट हॉरिजॉन्टल लाइन जिसका वैल्यू एकदम राइट साइड में देखिए आपका लिखा हुआ है 0, मतलब ये न्यूट्रल है। जहां से ये लाइन इंडिकेटर विद ग्रीन कलर 0 को तोड़ के ऊपर का तरफ जा रहा है, इसका मतलब आप स्ट्रांगली बाइंग जोन में घुस रहे हैं। तो बाई में एंट्री लेने का टाइम आपको 2 से 3 चीज को देखना है, सिग्नल का टाइम नीचे का रिबन का कलर क्या है, यहाँ पर नीचे का जो लाइन इंडिकेटर है वो 0 का ऊपर है या नहीं, और इसका पहले एक स्टार बनता है, तो फिलहाल ये स्टार ढक गया है नहीं दिख रहा है, बट बाय का कॉल का पहले एक ग्रीन कलर का स्टार भी होना चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन मैच होता है तो ही जाके हम लोग ट्रेड करेंगे, अदरवाइज नॉट। एक चीज़ याद रखना है, ट्रेडिंग का मतलब ही होता है अपॉर्चुनिटी, अगर अपॉर्चुनिटी है तो ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो 860 में आप बाय किए हैं, आपको आपका 3 टारगेट दिख रहा है, आप 3 टारगेट में से कौन सा टारगेट अचीव होगा नो बडी नोज। फर्स्ट टारगेट भी मिल सकता है, सेकेंड टारगेट भी मिल सकता है, थर्ड टारगेट भी मिल सकता है, उससे ज़्यादा भी जा सकता है, कोई भी टारगेट नहीं मिल सकता ऐसा भी हो सकता है। तो किस बेसिस में आप कब तक वेट करेंगे, देखिए टारगेट 1 का जस्ट ऊपर में आपको एक ग्रीन कलर का डॉटेड लाइन दिखाई देगा जो आपका रेजिस्टेंस लाइन है। तो ये रेजिस्टेंस लाइन एक अंदाजा होता है, जो रेजिस्टेंस लाइन कौन सा टारगेट को कवर कर रहा है आपको जस्ट देखना है। देखिए T1, T2, T3 में से ओनली T1 को ये रेजिस्टेंस कवर किया है, मतलब मोर देन 85% चांस है जो आपको ये मिनिमम टारगेट 1 को हिट करके जाएगा। तो 860 से लेके 920 लगभग यहाँ पर 60 पॉइंट का आपको प्रॉफिट मिल रहा है निफ्टी में फर्स्ट टारगेट में। तो ये 50 से 60 पॉइंट आपके लिए जेन्युइन था जहाँ पर आप अर्निंग कर सकते थे, बट 50 से 60 पॉइंट का बाद मूवमेंट नहीं करेगा ऐसा भी नहीं है। तो आप किस बेसिस में वेट कीजिएगा, अब आपको नीचे का जो लाइन इंडिकेटर है उसको देखना है। जब तक ये लाइन इंडिकेटर ग्रीन है, जैसे इस कैंडल पे लाइन इंडिकेटर का कलर रेड में कन्वर्ट हुआ, तो उस टाइम अगर आपको LTP दिख रहा है 927, मतलब उधर ऑलरेडी 40 पॉइंट अर्निंग की है, यहाँ 27 पॉइंट, मतलब इतना पॉइंट ऑलरेडी आप अर्निंग कर चुके हैं। जिस टाइम आपका पास ये लाइन ग्रीन से रेड में चेंजेस होते हुए दिख रहा है, इसका मतलब ये आपको नोटिफाई कर रहा है जो अभी सेलिंग प्रेशर धीरे धीरे बढ़ने लगा है। तो अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप निकल सकते हैं, अदरवाइज अभी भी आप वेट कर सकते हैं। देखिए धीरे धीरे मार्केट और थोड़ा ऊपर का तरह मूवमेंट करने लगा,
जैसे जैसे मार्केट और थोड़ा ऊपर जा रहा है, नीचे का लाइन इंडिकेटर देखिए नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये इसका सबसे यूनिक पॉइंट है। जिस पॉइंट पे जाके आपको दिखाई देगा, जैसे यहाँ पर देखिए दोनों लाइन आपस में क्रॉसओवर होकर इसका कलर पिंक होते हुए दिख रहा है, और ये जो लाइन इंडिकेटर है काफ़ी नीचे की तरफ आ रहा है, वो व्हाइट को तोड़ने जा रहा है। तो जब तक ये तोड़ेगा नहीं तब तक आप रिस्क ले सकते हैं, बट आपको जब दिख रहा है जो ये काफ़ी जीरो का करीब आ चुका है, आप पोजिशन से एग्जिट कर लीजिए जो भी प्रॉफिट लिए हैं। तो अल्टीमेट देखिए यहाँ पर ऊपर में दो पिंक लाइन आपको क्रॉसओवर होके हो गया, मतलब इस इंडिकेटर को देखते हुए भी आप अपना पोजीशन देख सकते हैं, अदरवाइज नीचे का लाइन इंडिकेटर को भी फॉलो कर सकते हैं। और थोड़ा बाद आपको दिखाई देगा जो नीचे का जो रिबन है वो भी रेड हो गया, लाइन जीरो को तोड़ने लगा है। तो फाइनली ये कंसेप्ट है जिसका बाद और आप वेट नहीं कर सकते, जो भी प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा आपको यहाँ पर लेके निकलना पड़ेगा। तो अल्टीमेट आप एंट्री लिए थे, मैक्स टू मैक्स इतना दूर तक आप वेट कर सकते हैं, इससे बात नहीं। यहाँ पर भी आप आराम से 4040 टू 45 पॉइंट अर्निंग कर सकते थे। तो 10:50 पे से बाइंग का पोजीशन खत्म हुआ, उसके बाद एक ब्लू कैंडल जनरेट हुआ। ब्लू कैंडल का मतलब ये है नेक्स्ट कैंडल है आपका पास कॉल आने वाला है। तो देखिए नेक्स्ट कैंडल में रेड कलर का एरो बन गया, तो जैसे एरो बनेगा यहाँ पर भी नोटिफिकेशन मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए जो डायलॉग बॉक्स दिखाई दे रहा है उसमें इसका डिटेल्स लिखा हुआ है, वही सेम डिटेल्स आपको राइट साइड में भी दिखेगा। सेल का कॉल बना है, नोटिफिकेशन आ गया, आपको यही सेम कंडीशन को मैच करना है। नीचे का जो रिबन है देखिए रेड हो गया, लाइन इंडिकेटर व्हाइट का नीचे आ गया है, बस इस कैंडल में स्टार नहीं बना था, तो आपको एक कैंडल वेट करना पड़ा जो सेकेंड कैंडल में स्टार बना, तो आपको इस कैंडल से ही वेट करना ट्रेड करना है, इससे पहले नहीं। इसका बाद भी अगर आप ट्रेड करते तो देखिए अभी मार्केट फिलहाल डाउन ट्रेंड में जा रहा है, और यहाँ पर मिडिल में एक बार लाइन ग्रीन हुआ था, दोबारा रेड होके मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा है। तो अभी आपका LTP ऊपर में अपडेट हो रहा है 836.3, तो नीचे का जो लाइन इंडिकेटर है अभी भी फिलहाल रेड है, और सिर्फ ग्रीन होने से ही नहीं होगा, जैसे मिडिल में भी एक बार ग्रीन हुआ था फिर दोबारा रेड हो गया, ग्रीन होने के बाद ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा और जीरो का करीब जब तक नहीं जाएगा तब तक आप वेट कर सकते हैं। अदरवाइज मिडिल में ये जो पिंक लाइन आपको दिख रहा है, जब तक ये दोनों लाइन आपस में क्रॉसओवर होके इसका कलर दोबारा चेंज नहीं हो जाता है ग्रीन में, तब तक आप वेट कर सकते हैं। तो इस मोमेंट में भी अगर आप देखेंगे आप लगभग 50 पॉइंट प्रॉफिट में जा रहे हैं निफ्टी फ्यूचर में। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये ऑटोमेटिकली आपको सिग्नल देते रहेगा, आपको जस्ट फॉलो करना है। देखिए नीचे का लाइन दोबारा ग्रीन होना स्टार्ट कर रहा है। अब यहाँ पर एक पॉइंट बता देता हूँ, ऊपर में जैसे आप ग्रीन डॉटेड लाइन देखे थे एग्जैक्टली देखिए नीचे में भी आपको एक रेड कलर का डॉटेड लाइन दिख रहा है, तो ये जो रेड कलर का डॉटेड लाइन है ये आपका सपोर्ट है। तो ऑलरेडी मार्केट सपोर्ट को हिट कर चुका है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना है, कभी भी मार्केट रिवर्स हो सकता है, बट अभी भी आप थोड़ा सा रिस्क ले ही सकते हैं क्योंकि एग्जिट करने का कोई कंसेप्ट सॉफ्टवेयर ने दिया नहीं है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है प्योरली इंट्राडे ट्रेडर के लिए है, अगर आप छोटा छोटा पोजिशन लेना चाहते हैं आराम से दिन में 2 से 3 कॉल आप निकल सकते हैं। तो चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बोलिए, अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और एक बार बता देना चाहता हूँ अगर आप इस मार्केट में न्यू हैं, अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या हम लोग का थ्रू अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, जैसे हम लोग LIC ब्रू के साथ काम करते हैं, काफ़ी अच्छा ब्रोकर कंपनी है, आप ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप ज्वाइन होना चाहेंगे तो वीडियो का नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वहाँ पर आपको अकाउंट ओपनिंग करने के लिए एक लिंक मिलेगा, जस्ट लिंक को ओपन कीजिए, एक फॉर्म मिलेगा, जस्ट फॉर्म को सबमिट कर दीजिए फिलअप करके, आपका पास LIC ब्लू की तरफ से फ़ोन चला जाएगा, जो भी मन में डाउट है क्वेरीज है आप कर लीजिएगा। अगर आप इंटरेस्टेड है, आपको अगर अच्छा लगता है तो ही ज्वाइन होइए। तो चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बोलिए, अगर इस मार्केट रिलेटेड मेरा और भी बहुत सारा वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काफ़ी सारा वीडियोज़ है, 2-4 वीडियोज़ और देख लीजिए, एक आइडिया हो जाएगा। फिर भी मन में डाउट या क्वेरीज रहेगा तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।